झांसी जिले के मोठ थाना क्षेत्र में एक अधेड़ की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में आरोपी के घर तक खून के निशान मिले हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की पड़ताल में जुट गई है। मामला स्टैंड के सहारिया मोहल्ले का है, जहां सुम्मा पुत्र मलई आदिवासी निवासी 50 वर्षीय की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल इस हत्या के बाद सनसनी फैल गई। मृतक के पुत्र राजेश आदिवासी के मुताबिक उसका मोहल्ले में ही विवाद चल रहा था, जिसके बाद बीती रात उसके पिता सुम्मा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। झांसी एसएसपी शिव हरि मीणा के मुताबिक उक्त हत्या किन कारणों से हुई है, इस बात को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही मौके पर हत्या का खुलासा किया जाएगा और आरोपी को जेल भेजा जाएगा। मोठ थाना क्षेत्र में कस्बे में ही एक अधेड़ व्यक्ति की घर में ही गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल जैसे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम के साथ साथ अन्य जितने भी हमारे आनुषांगिक शाखाएं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया, तो ये तथ्य निकल के आया कि ब्लड की कुछ बूंदें पड़ोसी के घर तक जा रही थी। उसको तलाश किया गया तो वो घर से भागा हुआ है। पुलिस के द्वारा जो डेड बॉडी है वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर लिए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर शीघ्र ही जो घटना है उसका अनावरण किया।